दिल्ली में बालू माफियाओं के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। झारखंड सरकार की ओर से बालू पर रोक के बावजूद दिल्ली में अवैध बालू का धंधा जोरों पर है, जिसके कारण झारखंड सरकार को माफिया राजस्व का चूना लगा रहे हैं। राजधानी रांची के सिल्ली में बालू का अवैध खनन जोरों पर है। अवैध उत्खनन के कारण जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं बालू माफियाओं की चांदी हैं। बालू माफिया लगातार राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। बालू को लेकर जिस तरह की बातें अब सामने देखने को मिल रही है, उससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो सकता है। ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही है कि राजधानी रांची से सटे हुए सिल्ली में जिस तरह से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे स्थानीय पुलिस प्रशासन राजनीतिक पार्टियों की मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बालू पर बिचौलियों का राज, बिचौलियों के माध्यम से बालू बेच रहे हैं बालू माफिया। नदी से बालू के उठाव के कारण कई पुल हो चुके हैं ध्वस्त। स्वर्णरेखा नदी, कांची राढ़ू नदी से बालू का उठाव लगातार जारी है। वहीं जनता काफ़ी परेशान है, बिचौलियों के माध्यम से अधिक दामों पर बालू को बेचा जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अज्ञात युवकों द्वारा ट्रैक्टरों और हाईवा से वसूला जा रहा है अवैध पैसे की वसूली। तो ऐसे में झारखंड के सिल्ली में अवैध बालू के उत्खनन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होने की संभावना है। मुखर संवाद के लिए सुमित की रिपोर्ट। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।